देखा। पर उन दोनों से भी तेज और ऊंचा उड़ेगा मेरा ड्रैगन। अरे वाह! अरे ये क्या? लगता है आपका ड्रैगन आपको साथ लेके उड़ना चाहता है। भला कौन उड़ा रहा है ये प्लेन? मैं उड़ा रहा हूँ प्लेन। मैं उड़ा रहा हूँ। राजू जग्गू वापस करो प्रोफेसर धूमकेतु का रिमोट। रुक जाओ हम भी आ रहे हैं। अच्छा वो कोई खिलौने वाला प्लेन नहीं है, वो एक आविष्कार है। अरे कोई ना कोई सा प्लेन तो बाजार की तरफ उड़ रहा है। वो उधर गया, उधर उधर। देखते जाइए मौसी। रोको इसे! एकदम सही वक्त पर आए भीम। हमेशा की तरह दोस्ती की खातिर हमेशा हाजिर। अरे नहीं मेरा प्लेन। अपने दोस्तों की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ प्रोफेसर धूमकेतु। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा बच्चों मैं चला अपने लैब। और भीम की खातिर ये लो सब के सब। चलो अब आराम से लड्डू खाते हैं। स्वादिष्ट है वाकई में। टुनटुन मौसी जैसे लड्डू और कोई नहीं बना सकता। पर लड्डू का और ज्यादा मजा पेड़ पे बैठ के खाने से आता है। क्यों जग्गू तुम्हें समंदर पसंद नहीं है क्या?
मैं तो ये लड्डू कहीं भी कैसे भी खा सकता हूँ। अच्छा उस्ताद, तो आँख बंद करके खा के दिखाओ। हाँ, अभी लो। अरे मेरे लड्डू। हाँ, ढोल वालों के बच्चे। रुको, अभी बता दो। रुको, अब भाग के जा रहे हो। से महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। देखो रास्ता साफ है क्या? जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। कालिया उस्ताद, कालिया उस्ताद। तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो, हम कालिया के साथ निकले? यकीन नहीं करते। ये देखो मेरा कमाल, यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए आपका। चित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो।
उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे आशीर्वाद निकालो। चलो अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी। ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है, ये लोग इतने सारे आम लाए कहां से? पता करना पड़ेगा। चलो देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो। ये लीजिए मौसी, घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी।
ये लो बच्चों तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल। अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। डालिए चाचा, ये लीजिए। शुक्रिया भीम। अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और दो होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया? अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे होच आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया, पैर ठीक हो गया क्या? अब अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी, चलो ढूंढते हैं। बस अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है, अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाई है। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। तुमने कमाल कर दिया। इतनी सारी मक्खियाँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा। क्या? मैं अंदर जा रही हूँ, मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूंगा। मक्खियों उपा।
लाओ मेरी प्यारी मक्खियों और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी जूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। देखा मेरा कमाल। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। कभी नहीं देखा? मैं प्रोफेसर इतिमान हूँ। आपके ढोलकपुर में मेरे पूर्वज एक अद्भुत किला छोड़ गए हैं। बस अब मैं उसी की जांच कर रहा हूँ। किला ढोलकपुर में?
कब से मेरा सपना है कि मैं एक सुंदर होटल खड़ा करूं और अपने हाथ से बनाया खाना सबको खिलाऊं। किला तो एकदम ठीक रहेगा। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे, मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों मेरे पीछे आओ। मानी दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो, डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं।